हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये ट्यून कैसी लगी मुझे? ये कल ही मिली और मैंने आज ये वीडियो में ऐड की, तो मुझे आप लोगों से पूछना, मतलब मेरा मन कर रहा था मैं आप लोगों से पूछूं कि ये ट्यून कैसी है, आप लोग बताना, ताकि मैं आगे व्लॉग्स में इंक्लूड करूँ इसको। और हाँ, आज ये जो व्लॉग है ये है 17 डेट का, और आपके पास पहुंचेगा 18 को, तो बताइएगा कैसे हैं आप सब। और नए व्लॉग की शुरुआत हुई है शाम के टाइम से, शाम का टाइम है, हम लोग छत पर खड़े हुए हैं और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है आज। कैसी लग रही है बताना ये भी कमेंट में। ये मेरी मम्मी की फेवरेट साड़ी थी, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स करके रेडी करवाई थी, वैसे मैं नहीं चाहती थी इसको। और शाम के बजे हैं 6:30, और ये देखिए शिवांश, शिवांश को पढ़ाई करनी है अब, है ना, पढ़ना है अब, बुक उठा ले जा, बाग तक ही नंबर याद है, अभी करवाएंगे, 50 तक लर्न करना है इसको, तो अभी इसको काउंटिंग लर्न करवानी है और साथ साथ खाना भी बनाना है, क्योंकि टाइम से खाना बना लूँगी तो बच्चे खा के टाइम से सो जाएंगे। इनको टाइम से खाना खिला के सुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि सुबह उठना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सुबह उठने में, तो फिर अगर टाइम से सुला दूँगी ना तो फिर जल्दी उठ जाएंगे। 5:30 बजे उनको उठाना पड़ता है, तो थोड़ी देर पढ़ा भी लेते हैं आप और ऊपर चलते हैं। हवा बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है ठंडी ठंडी हवा में, दोपहर से ठंडी चल रही है, हम निकले नहीं। हाँ, ये कटोरियाँ उठा लेनी वहाँ से, सारी कटोरी वहाँ रख दी। देखो, देखो, तीन तीन नंदी है। ये ना आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम की स्टिक जो होती है ना उनको उठा के धो के खेलता है उनसे, हम लोग भी बचपन में खेलते होंगे, है ना, और हमारे टाइम पे वो आती थी बर्फ, बर्फ खाते थे, ठीक है, दूध वाली। और आज ये भी ले आए, मतलब अपने शर्मा जी के चैनल पे वैसे देख लिया होगा, ऑनलाइन मंगवाया था, काफ़ी अच्छा है। शिवांश मेरे, इसने पता नहीं कितने ट्राईपोड दौड़ दिए, मारूंगी मैं अगर पास गया तो, पिटाई हो जाएगी, बहुत भयंकर वाली पिटाई होगी, देखिए। चलो अंदर चलते हैं, पहले तो ये कूलर हटाऊंगी, ये दोपहर में लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, रात को लगाते हैं हम वहाँ पे, तो यहाँ से अब ये खाली हो चुका, वहाँ रख देंगे उठा के, और जब कल सुबह इसको दोबारा से भर के वहाँ लगा देंगे, रात को तो बिना पानी के चला लेते, इतना पानी कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर नैनी को पढ़ाना शुरू कर दिया है, और नैनी की राइटिंग पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो गई है, मतलब यहाँ पर जो ट्यूशन टीचर इसको मिले हैं ना, हम लोग दोनों ही, मैं भी और शर्मा जी भी, काफ़ी सेटिस्फाइड है उनकी टीचिंग कराने के तरीके से, क्योंकि जब नैनी गई थी ना स्कूल में तो 3 साल का गैप हो गया था, प्रॉपर तरीके से स्टडी किए हुए, फिर भी उन्होंने इतने अच्छे से इसको टैकल किया, मतलब 1 से 1.5 महीने में उन्होंने 4th के अकॉर्डिंग इसको कर लिया, और ये 4th क्लास में पढ़ती है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि दीदी नैनी कौन सी क्लास में पढ़ती है, तो मैं आपको बता दूँ ये 4th क्लास में पढ़ती है, और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसकी स्टडी करवाई है कि ये 4th के अकॉर्डिंग अभी एकदम परफेक्ट है, अपनी क्लास में एवरेज स्टूडेंट है, तो आगे भी अगर हम रेगुलर वहीं पर ट्यूशन रखते हैं ना तो ये बहुत जल्दी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी 4th क्लास के लिए। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद में मैं आ गई हूँ अंदर, और थोड़ा सा रूम को समेटा है, रूम काफ़ी बिखर जाता है ना, जैसे बच्चे घर में होते हैं तो बच्चे बिखेर ही देते हैं, और शर्मा जी दूध ले आए हैं, अभी मुझे दूध गर्म रखना है, पहले वाला दूध जो है वो निकाल कर बच्चों को देना है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कर लिया, रात का खाना खाएंगे तब तक ये दूध भी डाइजेस्ट हो जाएगा। रात को सोते टाइम मैं दूध बच्चों को नहीं देती, क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते उस टाइम पर, और एक ये भी रहता है कि बिस्तर में शू कर देंगे ना, शिवांश कर देता है अगर रात को सोते टाइम उसको दूध पिलाऊँ तो। मैं आ गई हूँ पूजा करने, शाम की पूजा का टाइम हो चुका है, और शाम के टाइम पे मैं खाली धूप जला करके और भगवान जी के सामने अपने हाथ जोड़ लेती हूँ, सुबह के टाइम मैं हनुमान चालीसा करती हूँ हमेशा, ऐसी ही मेरी पूजा होती है। और शर्मा जी को तो वैसे सारे पूजा के सारे कर्म आते हैं, लेकिन मुझे नहीं आते, क्योंकि मैंने वो होता ना कि शुरू से मैंने कभी की नहीं, शादी से पहले मैंने कभी भी एक दिया भी नहीं जलाया। आप लोग सोचेंगे कि कैसी है दीदी, कितनी नास्तिक है, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूँ कभी, मतलब वो होता है ना कि इन चीज़ों की तरफ कभी रुझान ही नहीं गया, बस धीरे 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 धीरे, वो होता है ना कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या किसी भी
मतलब भगवान की जब जरूरत पड़ती है तब भगवान याद आते हैं। पहले मुझे मतलब लाइफ तो थी डिफिकल्ट थी, लेकिन कभी ये नहीं पता था कि मैं भगवान जी के सामने हाथ जोड़ूं। बस ये रहता था कि जो काम करना है वो करना है। और शादी के बाद में धीरे धीरे भगवान जी के ऊपर आस्था बढ़ती गई और बस अब पूरा ट्रस्ट है और अब ये सब काम भी मैं कर लेती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। तो जी मैं बनाऊंगी अब बच्चों का दूध और मेरे बच्चे ठंडा दूध पीते हैं, ठीक है? ऐसे और भी झुक रही थी कमर में दर्द हो गई। तो दूध बना के फिर आगे की कुकिंग जो है वो हम स्टार्ट करेंगे नाइट की, जैसे खाना भी जल्दी बनाना है, नहीं सो जाएंगे फिर नहीं तो। और मैं जो कल जो दूध आया था ना उसको सारे को इस टाइम फिनिश करती हूँ जब अगला दूध आ जाता है। जैसे अभी आ गया, अब मैं बच्चों को दूध देके ये वाला फिनिश करवा दूंगी, आगे वाला ताजा दूध घर में रह जाएगा, ठीक है? तो अभी मैंने पूजा की बात आपको बताई, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे भी कोई इंसान होता है क्या? तो जी आप चाहे मुझे आप गालियाँ दो चाहे कुछ भी करो, मैंने आप लोगों को हकीकत बताई है। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है कि हाँ मैं पहले शादी से पहले पूजा पाठ नहीं करती थी। मैंने कभी मेरी लाइफ में एक सोमवार का एक व्रत जरूर किया था जब मेरी सगाई हुई थी, उससे पहले एक नहीं किया था, मैंने तीन किए थे। सावन लगा हुआ था, सावन में ही मेरी सगाई हुई थी। तो जब लड़का देखने जाते थे ना तो घर वाले, तो शादी की दिक्कतें आ रही थी ना, लड़का पसंद नहीं आ रहा था या कोई और कोई ना कोई परेशानियाँ आती जा रही थी, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए मेरी नानी माँ है ना, उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती सोमवार के व्रत करवाए थे सावन में। वो बोली थी कि नहीं सावन के सोमवार करने हैं, और मैंने तीन किए थे, तीसरे में मेरी सगाई हो गई थी, तो मैंने चौथा फिर नहीं किया। मतलब कैसी थी सोच कर देखिए, वही होता है ना कि बस वो ट्रस्ट भी होता है ऊपर से, मतलब इंसान हो जाता है किसी किसी की मानसिकता। बस मुझे नहीं करना होता था तो मैं नहीं करती थी, आरती करती थी। आरती ने बहुत सारे सोमवार, कोई शुक्रवार, मंगलवार, बहुत सारे व्रत किए हैं उसने, लेकिन मेरा रुझान नहीं था तो मैंने नहीं किए। यही मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर हम दोनों बैठे हुए हैं, मैंने ये कोई प्रॉपर व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि माइंड थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। कल दोपहर से कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया था, और मैंने चप्पल देखो शर्मा जी की पहन रखी है, बड़ी बड़ी सी, और ऐसे ही पहन लेते हैं घर में। मेरी कुछ आदत भी ऐसी है कि मैं इन चीज़ों की तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूँ, जो मिलता है सामने उसी में एडजस्ट हो जाती हूँ और वही ट्राई कर लेती हूँ। तो मेरी चप्पल पड़ी होंगी इधर उधर, तो मैंने इन्हीं की पहन ली। तो यहाँ पर हम दोनों बैठे हुए थे, थोड़ा टेंशन हो गई थी, कुछ टेंशन का माहौल चल गया था, उसी के कारण आगे फिर मैंने व्लॉग को कंटिन्यू भी नहीं किया, यहीं तक मेरा व्लॉग था। तो मैंने सोचा चलो यहीं ये जो क्लिप है इसी के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि क्या बात हुई। कि हुआ ये कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, उस नंबर वो नंबर जो है ना उस पर कॉलिंग नहीं होती है, और वो व्हाट्सएप नंबर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूट्यूब पर कभी मैं यहाँ तक भी पहुँचूंगी। बस ये था कि बस चल रहा है तो चल रहा है, तो शुरू शुरू में थोड़ा बहुत चला, तो मेरे पास जो ब्रांड्स के मेल्स आने लगे, कॉन्टैक्ट होने लगे, वो मैंने उसी व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर लिए। और अब क्या है कि पहले तो उस पर कॉलिंग नहीं थी, मेरा नंबर वो बंद हो चुका था, उस पर किसी और की आईडी लगी हुई थी, और वो काफ़ी 5-6 साल पुराना नंबर है। और अभी क्या है कि उस नंबर पर वो आईडी मेरे पास नहीं थी, तो मैं उसको नया नहीं निकलवा पाई, और उसी नंबर पर मेरे सारे ब्रांड्स के मैसेज जो आते हैं व्हाट्सएप पे और जितने भी मुझे स्पॉन्सरशिप मिलती हैं उसी नंबर से मिलती हैं, और अब वो नंबर किसी ने निकलवा लिया है। मेन दिक्कत यह है कि अब वो नंबर किसी ने निकलवा लिया है, उस पर कॉल्स भी जाने लगी हैं। अब मेरे पास जो ब्रांड्स कॉन्टैक्ट करते थे व्हाट्सएप पर, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट कॉल करते हैं, तो वो भी उसी नंबर पर कॉल करते हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन किए, जो मेरा दूसरा नंबर है व्हाट्सएप पर फ़ोन करके उन्होंने बोला कि आपका नंबर कहाँ है, आपसे बात नहीं हो पा रही है। तो मैंने मेरे वाले नंबर से फिर फ़ोन किया, तो पता चला कि मेरा वाला नंबर जो है ना, ये कॉलिंग नंबर जो है ना, ये किसी के पास ब्रांड के पास था ही नहीं, बस व्हाट्सएप पर ही सारी डील होती हैं। फिर उसके बाद में मैंने जो मेरा नंबर है इसके नंबर पर कॉल किया, तो पता चला ये नंबर किसी ने निकलवा लिया है। तो उन्हीं बंदे से बात कर रहे थे शर्मा जी, और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि किसी तरीके से ये नंबर हमें मिल जाए तो हमारा काम ठप नहीं होगा, नहीं तो सारा काम ठप हो जाएगा। और मेरे को इसी चीज़ की बहुत बड़ी टेंशन हो गई है एकदम से ना, कि क्या बताऊँ आप लोगों को, जब सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो टेंशन तो हो ही जाती है। तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी, यही सोच सोच करके बहुत परेशान हो गई थी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मैंने सोचा चलो मॉर्निंग से तब व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, कल तो नहीं किया, बच्चों को रेडी कर लिया है, मौसम एकदम से ख़राब हो गया था इसके कारण थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे वो आगे पता चलेगा, अभी तो बहुत एक खराब बार मौसम के लिए है। तो रुक गई लेकिन जोर की आएगी बाद में लग रहा है।
चारों तरफ ना गुटके एकदम तैयार है राम जी हमारी बस लगा ली तो बरसने के। घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया मान जा नहीं मेरे को बालों से गर्मी लगती बस मैंने खोल लिया मेरे को मेरा रबड़ नहीं मिल रहा मैंने कहा। तो जी ठीक है फिर इस वीडियो का एंड करते हैं हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करना तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।